गुरुवार को पटना स्थित बेऊर जेल के अधीक्षक ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान गोदावरी खंड से 2 मोबाइल, 1 चार्जर जबकि यमुना खंड से 1 मोबाइल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही विशेष छापेमारी में यह बरामदगी हुई है। वहीं छापेमारी के बाद 20 वार्डन को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि सभी सेंसिटिव खंड की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं जेल आईजी ने कहा है कि फैसला लेते हुए कहा कि अब जेल अधीक्षक के अलावा किसी अन्य को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई। आपको यह भी बता दें कि 33 दिनों के भीतर यह दूसरी बड़ी छापेमारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव कमल फोनलाइन पर। राजीव, छापेमारी की लगातार की जा रही है बेऊर जेल के अंदर, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, बेऊर जेल में सुबह सुबह आज छापेमारी जेल अधीक्षक ने किया है। जिस तरीके से वहाँ मोबाइल फोन और तमाम ऐसी जो सेंसिटिव चीजें वहाँ मिली हैं, एक तरीके से ये एक रूटीन नहीं, अचानक ये एक तरीके से सुबह सुबह अधीक्षक ने, जेल अधीक्षक ने नहीं कर सकते, क्योंकि 33 दिनों के अंदर दूसरी छापेमारी, एक बड़ी छापेमारी गुप्त सूचना पर की गई है, बिना बताए की गई है अचानक से। तो आखिर यह लगातार कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्या अपराधियों पर नकेल कसने, क्योंकि लगातार जो अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं से यह भी लीड मिल रही थी कि यह जेल के अंदर से कुछ कुछ आपराधिक घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी हमेशा रहता है कि इस पर लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर लगाम। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जेल में भी बहुत सारे ऐसे अपराधी बैठे रहते हैं कि वहां से बैठे बैठे अपराध जो कराते हैं, तो उसी को लेकर कि अधीक्षक जो है वो एक तरीके से रूटीन नहीं, वो अचानक सुबह सुबह जेल पहुंचते हैं और बहुत सारे जेल में पहुंचते हैं और मोबाइल के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंटरनेट की सुविधा और सिम, बहुत सारी चीजें वहां मिलती हैं। तो क्योंकि ये तरीके से सरकार बहुत जो अपराध बढ़े हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सजग है और इसी को लेकर कहला ऐसी काम, मतलब अधीक्षक ने अचानक जेल में छापेमारी की है। एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे पहले जब भी छापेमारी की गई है तो चीजें से बरामद की गई हैं और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इस बार जब छापेमारी की गई आज, तो 20 वार्डन को स्थानांतरित किया गया है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह की कार्रवाई की गई है जेल आईजी के द्वारा? देखिए, ये एक इंक्वायरी जो आईजी ने की है इससे करने से, क्योंकि जो तक पहले से सूचना होती है कि क्या अंदर जेल में कुछ ऐसी चीजें जो जा रही हैं, जो जेल मैनुअल के खिलाफ हैं, जो जेल में नहीं जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आईजी को ये पहले से सूचना थी, उसी को लेकर वो छापेमारी किए और छापेमारी करने के बाद अब उसकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। तमाम बैरकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और एक तरीके से दिशा निर्देश दिया गया है जिला अधीक्षक के द्वारा कि सॉरी जेल अधीक्षक के द्वारा कि उसको एक तरीके से आप सुनिश्चित करें और सिक्योरिटी पर रही चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला भी जेल आईजी के द्वारा लिया गया है कि जेल अधीक्षक के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या अन्य अधिकारी, अन्य जो कारा में कार्यरत होंगे कर्मचारी, वो मोबाइल फोन नहीं रख सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैसला है आईजी। देखिए, होता क्या है कि जेल के अंदर आप कुछ भी ले जा नहीं सकते हैं, वहाँ एक होता है कि एक रूटीन, क्योंकि बेऊर जेल बहुत बड़ा है, बिहार का जेल और आपका सबसे बड़ा जेल है, और यहाँ आपका जो एक तरीका है कि वहाँ एक मैनुअल होता है कि आप जेल के अंदर किसी कोई सेंसिटिव चीज, कोई खाद्य पदार्थ ऐसी जो नहीं आप ले जा सकते हैं, वो उसमें मैनुअल में है। उसी को लेकर आईजी को सूचनाएं होती है, सूचना तंत्र होती है, उसी लेकर आज उन्होंने एक तरीके से सुबह सुबह ही धावा ही कह दिए कि छापेमारी की है और इतनी बड़ी संख्या में चीजें वहां मिली हैं। तो इसे कहीं ना कहीं एक हलचल जो कहला हुई है एक तरीके से जितने भी कैदी हैं उनके बीच, और कहीं ना कहीं एक ये भी मान के ले गए कि लूप होल भी थोड़ा बहुत कहीं दिख रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी सामग्री ऐसे जेल के अंदर कैसे पहुंच सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजीव कमल। तो आपको बता दें कि 33 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी कार्रवाई केंद्रीय कारा बेऊर जेल में छापेमारी की गई है और इसके तहत कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए हैं। एक बड़ा फैसला जेल आईजी ने लिया है कि जेल अधीक्षक के अलावा कोई और अन्य पुलिस अधिकारी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकता, कारा के अंदर यूज करना मना कर दिया गया है।